नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 17 मार्च के सुबह 10 बजे से जी हाँ दोस्तों यशमी से आपकी जीवन के सारे अधूरे कार्य बनने वाले हैं, यूँ कहें तो दोस्तों यशमी से आपका अच्छा समय शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यशमी बुधवार का दिन होगा और इसी में भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनके भी ऊपर भगवान श्री गणेश जी की आशीर्वाद होते हैं उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि और लाभ की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, और यशमी आपके जीवन में आपकी सारी आर्थिक तंगियाँ दूर होंगी और घर में आपको लाभ की प्राप्ति होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यशमी आपके जो भी कार्य रुके हैं उनमें भी गति आने वाली है और उनमें यशमी आपको अचानक से बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यशमी भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होंगे और कुछ ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें होने वाली है जिनसे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसी में आपका कर्तव्य होता है कि इन सभी समयों का सावधानीपूर्वक सदुपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, तो इसी में वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे कि यशमी आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में क्या बदलाव होंगे, आपके पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होंगी, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यशमय किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। समाज में और परिवार में आपका मान सम्मान भी यशमय बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को यशमय कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल होने की संभावना बन रही है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों इस यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो किसी पड़ोसी द्वारा घर में कोई गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दूसरों का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में धन संबंधी निवेश बहुत ही आपको सोच समझकर विचार करके ही इनमें निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी को पैसा यश में उधार ना दें क्योंकि दोस्तों रुक रुक कर वापस मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए दोस्तों यश में आप इन झंझट में ना पड़ें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी आप यश में पिछले समय में मेहनत किए थे दोस्तों वह सारे प्रयत्न आपके लिए यश में सफल होंगे और इनमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के सभी लोगों के साथ संबंध यश में अच्छे बनने की वजह से मन को भी यश में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। नए कार्य की योजना करने के लिए परिवार और मित्रों का भी यश में आपको साथ प्राप्त होगा और दोस्तों खुद के जीवन को और बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा यश में किए भी जा सकते हैं जो कि आपके आगे चलकर बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको अपने किसी विशेष कार्यों को पूरी करने में सहायक साबित होंगे, तो यश में मित्रों की सलाह भी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम साबित होंगे। और कुछ समय से चल रही जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी यश में उनमें सुधार आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप दोबारा अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति यश में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, ना उलझन के साथ ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसकी वजह से आपके मान सम्मान पर आँच आ सकती है या फिर आपकी मान हानि हो सकती है, तो यश में इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में दोस्तों गुस्से और फिर चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी आ सकती है, आपको इन पर अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों यह समय जो है विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति भी लापरवाह रहेंगे, तो दोस्तों विद्यार्थी वर्ग यह समय सावधान रहने की कोशिश करें क्योंकि दोस्तों ये लापरवाही आपके भविष्य के लिए बहुत ही नकारात्मक साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय
आप यीशु में होंगे, आपको बता दें कि आपके बारे में गोपनीय बात किसी और को पता चलने की वजह से आपको तकलीफ का सामना भी यशमय करना पड़ सकता है। दोस्तों, गलत लोगों के साथ देने की वजह से मान हानि का भी सामना यशमय हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पैसे संबंधित व्यवहार ठीक से करें। साथ ही दोस्तों, आपकी जो प्रतिष्ठा है इसमें बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, तो यश में सतर्कता रखने अति आवश्यक होगा। यश में आपके लिए असावधानी बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अपने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में भी आप सक्षम रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जो मेहनत है, जो लगन है, आपके सभी कार्यों में यश में सफलता आपको दिलाने वाली है। परिवार में भी दोस्तों उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके जो कायदे कानून है वह इसमें आप बनाएंगे और इसमें आप अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। घर के माहौल को भी इसमें आप खुशनुमा बनाने में अच्छा योगदान भी देंगे। आपका दोस्तों उदारवादी दृष्टिकोण बच्चों के लिए जो है मिसाल रहेगा। इसमें विद्यार्थियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा रहेगा, लेकिन आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो दोस्तों आपका ध्यान इसमें कहीं और भी भटक सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय असमंजस जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में निर्णय लेते समय किसी से बात ना करें। दोस्तों प्राणायाम व फिर मेडिटेशन करना आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाएगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। किसी भी प्रकार के लेन देन या फिर उधार देने की प्रवृत्ति से यश में बचें, क्योंकि दोस्तों वापसी की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि अभी तक आप अपनी योजना पर टिके रहकर जो भी बात तय किए थे दोस्तों, उन्हीं बातों को वास्तविकता का स्वरूप देने के लिए आप यश में सफल भी रहेंगे। फिर भी दोस्तों आपके अंदर और डिसिप्लिन लाने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि संवाद योग्य तरीके से रखने की वजह से किसी के साथ चल रहे झगड़े को खत्म करना आपके लिए यश में आसान रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कोई महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना भी आपको मिल सकती है। प्रभावशाली लोगों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों आपको बता दें कि ये संबंध आपके लिए उन्नति का कारक बनेंगे, आपके नए मार्गों को इसमें ये खोलने वाले हैं, तो दोस्तों इन पर भी ध्यान दें, लेकिन अपने विरोधियों से इसमें आपको सावधान रहने की आशंका है। दोस्तों आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल की स्थिति भी रहेगी। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आपको जो अपने लक्ष्य से भटका सकता है, आपके मन में गुस्सा आ सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको बचना चाहिए, अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने गुस्से पर इसमें आपको नियंत्रण रखना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप अपने कार्यों में अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। तो इन बातों को जो है ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके उपरांत दोस्तों अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो दोस्तों उस पर अच्छी तरह से सोच विचार भी इसमें आप कर लें। किसी के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आपकी मान हानि इसमें संभव होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काफ़ी समय बाद अपनी मेहनत द्वारा परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए संभव हो रहा है। और दोस्तों अभी तक परिस्थिति भी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं आई थी, इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहें, जीवन की नई शुरुआत करने का आपको इसमें मौका मिल रहा है, जिसका पूरा फायदा उठाने की यश में आपको कोशिश करना चाहिए। भावनात्मक तकलीफ आपकी यश में दूर होंगी, जिससे दोस्तों यश में आपका मन भी खुश रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते समय घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य लें, ये सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। निश्चित ही आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। किसी उलझे हुए सरकारी काम में सफलता की उम्मीद भी यशमय बन रही है। विद्यार्थियों को भी किसी विभागीय परीक्षा में अनुकूल परिणाम यशमय हासिल होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी व्यवसायिक निवेश यशमय ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग ही रहेगी, लेकिन दोस्तों किसी पार्टी द्वारा उचित ऑर्डर भी यशमय आपको मिल सकता है। जल्द ही परेशानी आपका दूर होगी, तो यशमय धैर्य का दामन आपको थामे रखना है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में इसमें सक्षम रहेंगे, जिनसे आपका माहौल थोड़ा सा खुशनुमा भी रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों सरकारी स्वायत्त लोगों को कोई विशेष अथॉरिटी इसमें मिल सकती है, जिससे दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी कर्मचारी का पूर्ण सहयोग बना रहेगा तथा उन पर विश्वास बनाकर रखना उनकी कार्य क्षमता व प्रयोग्यता में और अधिक वृद्धि करेगा।
इसके उपरांत दोस्तों यीशु में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यीशु में परिवार के साथ हर्ष परिहास व फिर मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा और दोस्तों सभी में आपसे स्नेह व फिर प्यार यीशु में बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में भी आपसे सहयोग और फिर बेहतरीन समाजों से बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर स्नेह परिवार को जोड़ कर रखेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इनसे दोस्तों आप यश में परिवार के साथ आनंदित मूड में भी रहेंगे और परिवार के साथ समय भी व्यतीत करेंगे। पति पत्नी का आपसी समंजस भी इसमें मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक इसमें नैतिकियाँ आने वाली है। अगर आपका प्रेम संबंध पहले से टूटा हुआ है तो दोस्तों यश में आप कोशिश कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में सुस्ती व फिर थकान की स्थिति रहेगी। बढ़ती ठंड से अपना बचाव अवश्य करें दोस्तों, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो इन बातों का गौर आपको यश में करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों तथा वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों यश में ग्रहों की स्थिति के कारण चोट लगने की आशंका बन रही है। तो यश में सावधानी आपको बरतनी होगी।